हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो। स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ट्रैपिंग रेन वाटर। ये प्रॉब्लम बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है यार। आप लोग को पता था यार, ये जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, जब मैं अपने करियर स्टार्ट किया था ना, पहले इंटरव्यू, उसमें ये पहले राउंड में क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो मीडियम लेवल की, बट लीड कोड पे जाओगे तो हार्ड लेवल का प्रॉब्लम मिलेगा। डरना नहीं है, मैं 2 मिनट में इसके सोल्यूशन बता दूंगा आप लोग को। बहुत ईजी, स्टेप बाई स्टेप बस पूरे फॉलो करिए। एकदम ईजी सोल्यूशन है यार, कुछ नहीं करना, एकदम नॉर्मल सा है। आई डोंट नो लीड कोड पे हार्ड लेवल क्यों है, ठीक है? एक एक स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। पहले प्रत्येक देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, गिवेन एन एरे ऑफ एन नॉन निगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है? इफ विड्थ ऑफ ईच ब्लॉक इज 1, कंप्यूटिंग हाउ मच वाटर कैन बी ट्रैप बिटवीन द ब्लॉक ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है? तो देखो यार, अगर 0 आया तो वहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, और नंबर और 0 को छोड़ के बाकी जो नंबर है उतने ब्लॉक है, उतने ब्लॉक मतलब ईंटे समझ लो, उतने ईंटे हैं, ठीक है? चलो इस केस में देखते, सबसे पहले 3 ईंटे रखे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं, फिर 0 ईंटे रखे हैं, फिर 0 ईंटे रखे हैं, फिर 2 ईंटे रखे हैं, फिर 0 ईंटे रखे हैं, फिर 4 ईंटे रखे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बोला ऊपर से पानी ट्रैप कर रहा है, तो कितना पानी इकट्ठा होगा? तो देखो यार, पानी इकट्ठा होने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि यार दो वॉल की ज़रूरत होगी, मतलब दोनों तरफ ईंटे होंगे तभी पानी इकट्ठा होगा, ठीक है? चलो इतना तो पता चल गया हमें। अब क्या, अब अगर एक भी नहीं होगी तो इकट्ठा नहीं होगा, दो होंगी तभी, ठीक है? या तो 0 वॉल हो तभी इकट्ठा नहीं होगा, या तो 1 वॉल हो तब भी इकट्ठा नहीं होगा। अगर ये सोचो एक ही वॉल होती, ये सारा को छोड़ भूल जाओ, एक होती तो पानी ऊपर ट्रैप होता, इधर गिर जाता, इधर गिर जाता, कोई इकट्ठा ही नहीं होता, ठीक है? तो इसको कहते हैं कैसे सोचेंगे। देखो तो इतना तो चलो हमें पता चल गया कि 2 वॉल चाहिए पानी इकट्ठा होने के लिए, ठीक है? तो अगर हम पहले वॉल पे आए, ठीक है, तो क्या पहले वॉल पे कोई पानी इकट्ठा होगा? नहीं होगा। क्यों? सपोज करो पानी यहाँ ट्रैप कर रहा है, ठीक है, पहले एक ही वॉल थी, एक वाटर एक वॉल एक ही वॉल थी, पानी ट्रैप हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सोचो इधर गिर जाएगा, और इधर अभी तो कोई नहीं है, सोचो एक ही बिल्डिंग है तो इधर गिर जाएगा, नहीं। आगे चले, आगे बोला कोई कोई वॉल नहीं है तभी पानी इकट्ठा नहीं होगा, फिर आगे बोला कोई वॉल नहीं है फिर भी पानी इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है? फिर उसने बोला कि एक आगे चल के एक और वॉल है जिसका ईंट 2 है, ठीक है, जिसका लेंथ 2 ईंट रखी हुई है। तो अगर हम इस पर पानी गिराएंगे, तो इस पे पानी गिराएंगे, इसके लेफ्ट में तो कोई पानी जाएगा नहीं, राइट में पानी ऑब्वियसली जाएगा। तो पानी कितना जाएगा राइट में? जितना लेंथ होगा मेरे नेक्स्ट, जो दोनों वॉल में से कंपेयर करेगा कौन सा वॉल क्या है मिनिमम होगा, उसके वॉल के इक्वल सारा वॉल पानी इकट्ठा होगा। इतना समझ सकते हो आप लोग, ठीक है? तो देखो, अगर यहाँ से अगर इस वॉल से ऊपर से पानी गिरा तो इसका मतलब इस वॉल के इतना पानी इकट्ठा होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसी तरह देखा, नेक्स्ट पे ऐसे करके चलेंगे, ठीक है? अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे, ठीक है? अब इसको कोड में देखते हैं, ठीक है? तो देखो, अब हमने कोड में करने के लिए हमें क्या करेंगे कि यार एक वॉल पे पकड़ते हैं, इस वॉल के देखते हैं इस वॉल के लेफ्ट साइड पे कितनी मैक्सिमम वॉल है, ठीक है? अब चलो यहाँ पे क्या निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं लेफ्ट मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एरे जो था उसके, देखो पहले एरे पे पहले 3 वॉल थी, 3 वॉल के लेफ्ट में कोई मैक्सिमम है? नहीं है, तो यही हो गई, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट आए 0, 0 वॉल के लेफ्ट में मैक्सिमम है, हाँ तभी तो पानी इकट्ठा होगा ना, हाँ चलो कितना है 3 है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर 0 है, क्या है, हाँ मैक्सिमम 3 है, चलो इकट्ठा हो गया। अब नेक्स्ट पे है 2 है, 2 वॉल मिला, ठीक है? अब ये 2 वॉल मिला, अब क्या इसके नेक्स्ट पे मैक्सिमम वॉल कोई मिल रहा है हमें? हाँ ऑब्वियसली मिल रहा है, तो हाँ क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, चलो ठीक मिल गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या नेक्स्ट कितना 0, इसके लेफ्ट में कोई मिल रहा है? हाँ यार 3 मिल रहा है, ठीक है चलो। अब इसके नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में क्या कोई वॉल मिल रहा है? कितना मैक्सिमम 4 है, 4 से मैक्सिमम कोई वॉल इसके लेफ्ट में मिल रहा है? नहीं यार, तो 4 ही हो जाएगा, ठीक है चलो लेफ्ट निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, राइट निकालते हैं, ठीक है, राइट मैक्स निकालते हैं, चलो राइट मैक्स निकालते हैं। अब राइट में आ जाते हैं, यहाँ पे 4 पे आ जाते हैं, ठीक है, तो राइट पे आ जाते हैं, तो 4 पे आ जाते हैं, तो 4 पे क्या होगा, अब क्या 4 पे, यहाँ से 4 पे क्या इसके राइट में कोई मैक्सिमम वॉल है? नहीं है, कितना है एक, अभी 4 ही है, ठीक है? ये सोचो मैं पीछे से चल रहा हूँ, यहाँ भी ये पीछे है, ठीक है चलो, ठीक है। अब आते हैं, क्या इसके एक और आते हैं, क्या इसके लेफ्ट में कोई वॉल है? हाँ कितना है, 4 ही है, चलो 4 आ गया, ठीक है। अब फिर इसके तो मतलब मैक्सिमम 4 ही दिख रहा है, ठीक है चलो 4, चलो यार ये हमें मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, ये हमें क्या मिली, ये हमें बस ये पता चले कि इसके इसके लेफ्ट में कितनी मैक्सिमम वॉल है और करंट वाले से राइट में कौन मैक्सिमम वॉल है, ठीक है, ये दो चीज़ मिल गई। अब इन दोनों में, ठीक है, अब इन दोनों में अगर हम इसमें क्या करते, इसमें से मिनिमम निकालें, ठीक है, हम क्या कर दें कि मिनिमम निकाल दें, किसमें से, लेफ्ट के मैक्स से कॉमा और राइट के मैक्स से, ठीक है। अब हमें इससे क्या मिलेगा, चलो एक बार मिनिमम निकाल के देखते हैं, ठीक है, मिनिमम निकालते हैं, मिनिमम निकालने के बाद क्या आ जाएगा मेरा, यहीं पे निकाल दो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं क्या, मीन,
अब मीन निकालते हैं तो देखो इन दोनों में से मिनिमम कितना है, 3 है। फिर आगे बढ़ते क्या 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 है, 4 है। ठीक है, 4 में से 4 मिनिमम। अब ये क्यों निकाले, ये पता क्या मिनिमम क्यों निकाले, मिनिमम हमारा बता रहा है कि इसकी हाइट इतने तक जा सकती है, चाहे वाटर हो चाहे वॉल हो, दोनों केस में बस इतनी हाइट जा सकती है। तो सोचो ये हाइट हमने निकाल ली, अब इसमें दोनों हो सकती है, वाटर भी है और ये बस हमने निकाली कि यार अगर अगर जीरो है वहाँ पे वॉल नहीं है, अरे वॉल नहीं है तो कितना वाटर फिल हो सकता है, बस ये मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो पहले केस में कितना है, 3 आया, तो इसकी वॉल की लंबाई 3 थी, दूसरे केस में 3 है तो इसको वॉल समझ लो या वाटर समझ लो कुछ नहीं पता हमें, बस इसमें दोनों इंक्लूडेड है, बस हमने देख लिया चलो जीरो या जीरो के केस में कितना 3 हाइट तक जा सकता है, 3 हाइट तक जा सकते हैं। अब चलो ये निकाल लिया, अब क्या हमें, अब इसमें तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, वाटर भी है और वॉल भी है, ठीक है, मतलब ईंटें भी हैं, तो इनमें से फिल्टर कैसे करेंगे। तो जो मेरा करंट एरे दिया हुआ है, ठीक है, जो करंट एरे दिया हुआ है, करंट एरे क्या है मेरा, करंट एरे अगर बात करें तो करंट एरे कितना है मेरा, करंट एरे 3 है, 3, 0, 0, 2, 0, 4, ठीक है, ये करंट एरे हो गया। ठीक है, अब क्या इसका मतलब, इस वाले एरे में हमारा वॉल और वाटर हमने निकाल लिया कि चलो हमें पता चल गया कि भाई मैक्सिमम इतना लेंथ तक जा सकता है जिसमें वॉल और वाटर दोनों हैं, तो इसमें इसमें माइनस मतलब वो कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कौन सा वॉल है कौन सा वाटर है। तो हमने देखा हमारे पास एरे दिया हुआ है, उस एरे में हमने को एकदम इजीली बताया गया कि हमारे पास वॉल जो है वो ये वॉल दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट में यही दिया है ना कि ये इतने ईंटे नंबर आप ईंटे दिए हुए हैं हर के लिए। तो क्या मैं अगर इस ईंटे को माइनस कर दूँ, किस में से इस ईटे को माइनस कर दूं मेरा जो अभी आया, तो क्या उसमें से वॉल निकल जाएगा, हमारा इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा आंसर हो जाएगा, जो वाटर हो जाएगा, वाटर के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, वाटर के लिए निकाल देंगे क्या कि जो मिनिमम निकाला उसमें से हम माइनस कर देंगे एरे को। ठीक है, ये निकाल देंगे। ठीक है, चलो अब ये निकालते हैं, ये निकालने के लिए अब हम लिखते हैं चलो क्या, अब देखो अब हमने क्या बोला मिनिमम कितना, 3 में से 3 0 गया। ठीक है, नेक्स्ट आया, अब यहाँ पर कितना है, 0 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आया। ठीक है, अब 3 में से 0 गया, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, 3 में से 0 गया, 3 आया, नेक्स्ट आते हैं, 3 में से 2 गया, 1 आया, नेक्स्ट आते हैं, 3 में से 0 गया, 3 आया, नेक्स्ट आते हैं, 4 में से 0 गया, 4। अब इसका सम देखो कितना हो रहा है, जो इसका सम होगा वही वाटर होगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा मेरा, फाइनल इसका सम हो जाएगा 3, 3, 6, 7, 7 to 10, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यार यही करना है प्रोग्राम में, बस यही, इसका देख सकते हो आउटपुट 10 है। आई होप आप लोग को सोल्यूशन समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना, मैं एक बार बहुत जल्दी से बता दे रहा हूँ। देखो सिर्फ सबसे पहले लेफ्ट मैक्स निकालना है, राइट मैक्स निकालना है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम निकालना, मिनिमम हमें ये मिनिमम क्यों निकालें, मिनिमम इसलिए फाइंड करें इन दोनों लेफ्ट और राइट में से मिनिमम इसलिए निकाल रहे कि यार हमें पता चले कि इस वॉल की कितने हाइट तक जा सकती है लंबाई, जिसमें वाटर और ईटे दोनों इकट्ठा हो जाए तो कितना तक जा सकते, बस लेंथ निकालने के लिए। तो इसके बाद हमें ये लेंथ पता चल गई, तो लेंथ पता चल गई, लेंथ में दोनों चीज़ इंक्लूड थी, वाटर भी इंक्लूड था, ईटे भी इंक्लूड था, तो कैसे अब ईटे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें जो ओरिजिनल एरे था उस ओरिजिनल एरे को माइनस करना पड़ा। ठीक है, किसमें से, जो अगर हमारे पास दो चीज़ें मिक्स पड़ी तो उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा वाटर कितना, बस मैंने वही किया, फिर वाटर को सम कर दिया, वो मेरा आंसर आ गया। तो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट करने के लिए यार ये थोड़ा सा मेरे को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो चलो ARR दे देते हैं और इसको N दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, चलो यार हमने क्या निकालना है, लेफ्ट का मैक्स निकालना है। लेफ्ट का मैक्स निकालने के लिए चलो यार 0 फिल कर देते हैं और यहाँ पे N दे देते हैं। चलो ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट का जो होगा, लेफ्ट का मैक्स का पहला एलिमेंट जो होगा वो उसमें क्या देते हैं, एरे का 0 देते हैं। चलो ये भी दे दिया, अब क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज, अब रेंज में कहाँ देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट का जो मैक्स है, मैक्स का आई है, उसमें क्या हो जाए, मैक्सिमम पहुँच जाए किसका, एरे का। ठीक है, एरे है, हाँ, अब इसमें क्या पहुँच जाए, एरे का आई कॉमा लेफ्ट का मैक्स जो है उसमें आई माइनस 1। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा लेफ्ट मैक्सिमम निकल जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह से क्या कर लेंगे, यहाँ पे राइट के लिए निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे राइट मैक्सिमम निकाल देंगे, लेफ्ट के स्थान पे क्या लिख देंगे, राइट लिख देंगे। ठीक है, RIGST राइट कर देंगे। अब राइट में क्या होगा, राइट में यार ये जो होगी ये माइनस एन माइनस 1 होगी। ठीक है, क्योंकि राइट में पीछे से लूप चलाएंगे हम लोग, तो एन माइनस 1। ठीक है, चलो ये हो गया, अब हम लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यार लूप तो हमारा रिवर्स लूप होगा, तो n माइनस 2 से स्टार्ट करेंगे, माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे होगा RIGST राइट मैक्स, ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे
RIGST, राइट मैक्स, ठीक है, राइट मैक्स निकाल देंगे। अब यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ऐड होगा पीछे से, तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। चलो ये निकाले, दोनों चीज़ निकल गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या बताया था, जब दोनों चीज़ निकल जाए तो यार, अब हमें क्या बताया था हमने कि माइनस करना, मिनिमम निकालना है। किसमें से मिनिमम निकालेंगे हम लोग, किसमें से, आप लोग देखो, लेफ्ट के मैक्स का आई से कॉमा RIGST, राइट के मैक्स का आई से, ठीक है, इन दोनों में से मिनिमम निकाले थे, ठीक है। अब मिनिमम निकालने के बाद हमने क्या बोला था कि माइनस करना है, जो मिनिमम का रिजल्ट है उसमें से माइनस क्या करना है, करंट एरे को करना है, ठीक है, ये माइनस करना है। तो इसको इसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। अब हमने बताया था कि इसको स्टोर करने के बाद एक आंसर बनाते हैं, चलो यहाँ पे बना दे, जो मेरा आंसर वाटर स्टोर करेगा, टोटल वाटर, टोटल वाटर इज इक्वल टू, पहले जीरो है, ठीक है। अब देखो, अब जो टोटल जीरो, तो क्या जो इन दोनों का मैक्स मिन जो माइन जो हमने मिनिमम निकाला उसको इसमें से माइनस किया, क्या हम लोग टोटल वाटर में ऐड कर दें इसको, टोटल वाटर इक्वल टू ये ऐड कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको यार यहाँ पे लूप की भी ज़रूरत पड़ेगी, फॉर आई इन रेंज कहाँ तक, एन तक, बस एक लूप चला देंगे, ट्रेवल्स करेगा उस पर, ये चेक करेगा, अब ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग टोटल वाटर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। चलो देख सकते हो यार, सक्सेसफुली रनिंग हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते, सबमिट करने पे यार आई होप सबमिट हो जाना चाहिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली सबमिट हो जाए, देख सकते सबमिट हो गया सक्सेसफुल। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ ऑफ एन लगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लगी है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एरे बनाया है तो इस पर, और क्वेश्चन में भी ये बोल रखा था कि हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लेके चलना है, लेकिन देख सकते हो यहाँ पे ओ ऑफ एन स्पेस भी लगी थी, ओ ऑफ एन उस टाइम सेम कॉम्प्लेक्सिटी हमने कर दिया। तो यार बाकी कमेंट करके आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा यार। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।